राज्य की राजनीति रोज नई करवट ले रही है। जेवीएम का बीजेपी में विलय का मामला पार्टी के साथ साथ राजनेताओं में भी सियासी हलचल तेज हो गया है। जिस तरह जेवीएम ने नए कार्य समिति का गठन किया, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जेवीएम ने बीजेपी में विलय की ओर एक कदम बढ़ा दिया है। पार्टी से निष्कासन के बाद बंधु तिर्की दल बदल के नियमों से मुक्त हो गए हैं। अब वे किसी भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जेवीएम के दो प्रमुख नेताओं को नए कार्य समिति से अलग रखना सोची समझी साजिश थी। मांडर से जेवीएम के विधायक बंधु तिर्की को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। बंधु पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता का आरोप है। इस संबंध में बंधु से स्पष्टीकरण मांगा गया था, पर तय समय तक उनकी ओर से कोई जवाब नहीं देने पर तिर्की को निष्कासित कर दिया गया। उनको निष्कासन किया गया तो एक बात जान लीजिए कि भाई इस पर वो मैंने एक तरफ से कहा गया कि आपका हमारा मेंबरशिप तो रह गए पूरा, मैंने उनको जो और कानूनन तरीके से पेचीदा में ही होते जाए आसान कि हम लोग का रास्ता नहीं होगा पूरा, उनके लिए भी आसान है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि कुछ लोग उनको सुझाव कुछ देता होगा तो ये सब चीज़ों को मैंने थोड़ा परहेज कर ऐसा मेरा आग्रह हो और एक रास्ता निकले इस पर चिंता करना चाहिए। चलिए, क्या बातचीत हुई, अब आगे क्या आप लोग बातचीत हुई? अभी तो बातचीत हुआ है, हम लोग आगे क्या करेंगे। मोटा मोटी बातचीत जब हो रहा है इसे आपको समझ लेना है सब चीज़। अगर आज ही सब चीज़ को बता देंगे तो फिर कल क्या रहेगा। आज तो इतना ही करो ना, कल प्रदीप जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमारे विधायक दल के नेता हैं पूरा, बाबूलाल मरांडी जी तो हमको बाहर का रास्ता निकाल दिया, मेरा नेता अभी प्रदीप जी है, ठीक है ना। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश गुप्ता ने कहा कि राजनीति में नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हमारे लिए आदरणीय हैं। देखिए, दो चीज़ है। बाबूलाल मरांडी जी बहुत ही आदरणीय इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं और मैं उनका बहुत ही सम्मान करता हूँ, मगर राजनीति में एक नैतिकता होती है, एक मोरालिटी होती है, एक प्रिंसिपल होती है, सिद्धांत होती है। जिस प्रकार विधायक बंधु तिर्की जी को उन्होंने निकारा, अखबार के मार्फत में देखा बता रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को ये दर्शाता है कि जो पहली बात है मैंने किया, प्रिंसिपल, मॉरालिटी, नैतिकता, सिद्धांत, ये समाप्त हो गया है। और बंधु तिर्की जी को निकाला गया, उन्होंने आज मैंने अभी सुबह ही अखबार में पढ़ा कि साधुवाद दिए हैं आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को, तो निश्चित तौर पर कुछ बातें हुई जो उनकी पार्टी का मामला है। वहीं कांके विधायक समरी लाल ने कहा कि बाबूलाल मरांडी के आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। वहीं पद के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसका निर्णय केंद्र लेगी। हम लोग तो स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारा दल अभी सदस्यता अभियान चला रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे संगठन में आवे, क्योंकि ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, इसलिए कि बहुत से हमारे विभिन्न दल से छोड़कर हो या ऐसे भी हमारे दल में आ रहे हैं, और जो भी हमारे दल में आएंगे उनका भरपूर हम लोग स्वागत करते हैं। ये तो ऊपर की बात है, हम एक कार्यकर्ता हैं और हमारा जो नेतृत्व है जो फैसला लेती है सटीक और सोच समझ के लेती है और सबके हित के लिए लेती है, इसलिए ये हमारा जो नेतृत्व है वो तय करेगा, हम कार्यकर्ता उसको पालन करते हैं। कि कांके विधानसभा की जनता तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है, इसलिए हम उस क्षेत्र में रहते हैं तो हम अपना ही क्षेत्र को पूरा झारखंड समझते हैं। जेवीएम की बीजेपी में विलय तय मानी जा रही है। बंधु तिर्की के निष्कासन के बाद प्रदीप यादव पर पार्टी की गाज गिरने की संभावना अब प्रबल हो गई है। ऐसे में जेवीएम कैसी रणनीति तय करती है ये तो समय बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार।